आज 22 तारीख को प्रेसिडेंट ऑल इदो मिश्मी स्टूडेंट यूनियन और जनरल सेक्रेटरी दिवांग वैली स्टूडेंट यूनियन की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है, जो दिवांग वैली डिस्ट्रिक्ट में चल रहे इंडिफिनिट बनकोल जो है 15 दिन के लिए ऑफ किया जाएगा। लेकिन जब इस बात का सच्चाई अरुण भूमि ने जानना चाहा तो हमें आईएमसू के जीएस मोम्पा लिंगी और डीवीएसयू के मेंबर्स और प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज के चेयरमैन श्रीनगरो मेलो जी ने हमें ये साफ तौर पे बताया कि ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करके एक पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है। ये बंद कोल जो है इंडिफिनिट है और वो चलते रहेगा जब तक सरकार और जिला प्रशासन उनके मांगों को, उनके डिमांड्स को नहीं सुन लेते और कंपेंसेशन को इमीडिएट डिसबर्समेंट नहीं कर लेते हैं, तब तक ये जो है बंद कोल जो चलते रहेगा। इसमें कोई 15 दिन के लिए कोई सस्पेंशन या कोई ऐसे छूट नहीं दिया जाएगा, उनका ये साफ कहना है। सिविलियन ट्रक में तो हम उनको कन्वे किया था, आर्मी का व्हीकल को तो सर रेस्ट्रिक्शंस नहीं कर रहा है, मूवमेंट अलाउ कर रहा है बोल के, लेकिन सिविलियन ट्रक में है बोल के बोल रहे हैं आर्मी का फूड आइटम्स। तो ऐसा भी नहीं होना है तो ना, जैसे हम लोग भी आप लोग का साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, आप लोग भी कोऑपरेट करने से ठीक है। अभी तो आप लोग का सब जितना भी यहाँ का दिवांग वैली का पब्लिक का है, सबका पब्लिक का सपोर्ट तो आप लोग का साथ है, लेकिन आज 5th डे हो रहा है तो ऐसा नहीं होना कि ज़्यादा इनडेफिनिट हो जाने से भी फिर पब्लिक भी फिर डिवाइडेड हो जाएगा। तो अभी तो प्रो है, पूरा आप लोग का साथ ही है जितना हम लोगों को भी मालूम है, लेकिन अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सबका पेशेंस वो हो रहा है तो 5th डे जा रहा है। फिर दूसरा लोगों को नहीं बोल रहे, जिसका मेडिकल इमरजेंसी है, जिसका बच्चा लोग का एडमिशन शुरू हो रहा है या तो वेकेशन हो गया, लेके आना है उन लोगों को, तो वो लोग हम लोग को आने नहीं वाला भी बार बार कॉल कर रहा है, रोइंग वाला भी बार बार कॉल कर रहा है, लेकिन आप लोग का डिमांड्स भी हम लोग को मालूम है, बट स्टिल हम आप लोग को रिक्वेस्ट करने आया है, आप लोग थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने से ठीक है। और रिलैक्सेशन ये बोल रहे कि अगर आप लोग हम लोग को एक हफ्ता का विंडो दे दो, 5 दिन का विंडो दे दो, मैडम आप लोग तब तो इतना तारीख तक कर दो, अगर आप लोग उतना तारीख तक हम लोग को ऑर्डर नहीं मिलता है बोलने से, आप लोग फिर से 2nd डे से शुरू कर लो। नहीं नहीं, आप लोग का जो अपना राइट्स का कारण ना, आप लोग का राइट्स का कारण आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग का राइट्स, लेकिन आप लोग राइट्स का कारण जो बाकी लोग का राइट्स कर्टेल हो रहा है ना, आप लोग वो भी सोचना चाहिए। तो अभी अभी देखिए, अनिनी में प्रॉब्लम हो रहा है, इटालियन सर्कल में हो रहा है, अनिली सर्कल में प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, हम लोग आप लोग का साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, मेरा वही है कि आप लोग का जो पेमेंट आया हुआ है, पेमेंट देने में इतना तकलीफ क्यों हो रहा है वो हम समझ नहीं आ रहा है। कमिश्नर से दे पा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी रोइंग का डिस्बर्समेंट हो चुका है, तो ऑन रिटर्न के समय क्यों लग रहा है? ऑन रिटर्न प्रोसीजरल डिले होता है ना, वो तो हम लोग से ज्यादा आप लोग का ऑफिस आप लोग ज्यादा जाते हैं ना, नहीं हम लोग से ज्यादा ऑफिस आप लोग ज्यादा जाते हैं ना, आप लोगों को मालूम है प्रोसीजरल डिले तो होता है। मैंने मैडम आप जैसा बोला है कि आप एज ए मेडिएटर आया है ना, तो आपका जो गवर्नमेंट का मैसेज था हमको दिया, अभी मेरा मैसेज भी आप गवर्नमेंट का वहाँ पहुँचाना है। डे वन से हम वही बोल रहा है, मैंने आप बोल रहे हैं कि सेक्रेटरी एलएम कमिश्नर एलएम बोल रहे हैं कि देना ही है बोल के, वही तो अथॉरिटी है, वर्बली बोल सकता है, तो रिटर्न में लिख के देने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? और आपका जो डिले कितना दिन हो गया, एक अप्रूवल लेटर लिखने इतना समय लगता है क्या? नहीं, आपका अप्रूवल लेटर एक आदमी नहीं देता है ना, तो स्टेप बाय स्टेप जाता है। तो अभी ये सिचुएशन का हिसाब से उसको अरे कुछ भी चीज में नॉर्मल इंसान का क्या होता है कि मैंने कुछ फाइल प्रोसेस करने से 6-7 महीना लगने वाला भी, अगर पैसा का थ्रू करने से 16 दिन में भी हो जाता है, तो ये तो प्रेशर वाला बात है ना, ये सिचुएशन इतना खराब है तो इसको तो आप प्रोसीड्यूर क्यों करना है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में लाना है, फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा और आपका जो है बात सुन लेना, आपका जो फाइल था कितना कौन सा डेट में भेजा आपने हमको मैसेज दिया, तो अभी तो इतना दिन हो गया और यहाँ इतना दिन हो रहा है, यहाँ दोबारा नहीं होता, पब्लिक ज्यादा पैनिक हो रहा है, तो प्रोसीजर तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रखने से तो मेरा ख्याल से नहीं लगता है कि मैंने इतना समय लगेगा। और जब आप मुंह से वर्बली बोल रहे हैं कि हो गया दे देगा, कल रात में भी हमको फोन आया था नगर से, बोला कि देगा, चिंता मत करो देगा, अरे देगा देगा तो हम 2014 से सुनते हुए आ रहा है, अभी हम देगा में विश्वास नहीं है। अगर आप 4 वीक भी लेगा कोर्ट अगला सुनवाई 4 वीक में उनसे, ये भी 4 वीक रहेगा, ये मेरा फाइनल डिसीजन है, सब एग्री। Let's go!
गवर्नमेंट को इतना ही चिंता है आनिनी का पब्लिक के लिए, तो हम लोग क्या अलग से क्या उग्रवादी बैठा है क्या? हम लोग पब्लिकली है, हम गवर्नमेंट का शेयर नहीं मांग रहा है, हम गवर्नमेंट का शेयर नहीं मांग रहे कि आपके स्टेट का बजट से हमको इतना निकल के दो बोल के। हम अपना जमीन जायदाद बेच के बोल रहे हैं, हम अपना पैसा मांग रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अकाउंट में पैसा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अकाउंट में ऑलरेडी पैसा डिपॉजिट है, तो कौन सा वजह से नहीं दे पा रहा वो भी हमको बताओ तो, क्या रीजन है, कौन सा टेक्निकल में फॉल्ट है? अप्रूवल देने में क्या है? ये क्लियर कट मैसेज है, हम ज्यादा बात भी नहीं बोले और आप लोग भी कोई ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा। वही है, अगर गवर्नमेंट बोलता है कि अगला सुनवाई 4 वीक का बात है, उनसे हम 4 वीक भी यहाँ रहने के लिए रेडी है। अभी हम कॉम्प्रोमाइज में आएगा नहीं, कितना आएगा? हम 2014 से कॉम्प्रोमाइज में आते जा रहे, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अभी इस बार नहीं देगा तो देगा बोलो, नहीं देगा तो मत दो, डायरेक्ट क्लियर कर। नहीं, जब तक हमको अप्रूवल हमको मालूम है आप लोग सब गुस्सा है, नाराज है, बट स्टिल हम कंफर्म है, श्योर है गवर्नमेंट देगा, इसीलिए हम आप लोग का सामने आया है, नहीं तो हम आप लोग का सामने क्यों आएगा? देगा तो वो भी है, माने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अकाउंट में जब ऑलरेडी पैसा डिपॉजिट है तो वो देने के लिए आया ना, देगा तो कब देगा? अभी तू मन ज्यादा हो गया क्या? क्या चीज का प्रॉब्लम था यहाँ में? किसी का अकाउंट नंबर और आधार कार्ड लेने के नहीं, ये चीज नहीं चलेगा। ये हमारा अभी आप लोग का सामने भी मेरा तरफ से भी एक मैसेज ही है आपको, हम कुछ खराब बोला बोल के नहीं, गवर्नमेंट का तरफ से आप मैसेंजर का हिसाब से मेरा भी एक मैसेज उनको पहुंचा दीजिए, जब तक हमको चाहे वो अगर वो डिले करे वही जानो प्रॉब्लम जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आएगा कल को जाके रेस्पॉन्सिबिलिटी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन लेगा, अदरवाइज कौन इसमें इन्वॉल्वमेंट है? गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, वो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अगर अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना है, आपका वीडियो भी हो रहा है जो भी आप लोगों का माध्यम से भी ये बताना चाहता है गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं चाहे यहाँ में डेवलपमेंट में लेके या कुछ भी इकोनॉमिक को लेके, तो जल्द से जल्द इसको फर्स्ट प्रियोरिटी में रख के अप्रूवल लेटर हमको दे दो, मेरा हाथ में जैसे ही मिलेगा हम कॉल अप करके चला जाएगा। आप लोग इकोनॉमिक ब्लॉकेट करने से भी दूसरा को नहीं कर रहे, अपना भाई बंधु को ही कर रहे, तकलीफ अपना भाई बंधु को ही कर रहे, वो तो हम समझ रहे हैं। और तकलीफ ना अनिनी इटालियन अनिली सर्कल में हो रहा है, आप लोग यहाँ तक आवाली में जो बैठा हुआ है आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। नहीं 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 वो नहीं, हम लोग नहीं, हम लोग का कारण नहीं है, आप लोग भी यहाँ का है, हम लोग भी यहाँ का सर्विस ऑफिसर है, तो आप लोग को दोनों साइड से सोचना चाहिए, हम लोग दोनों साइड से सोच रहे हैं, आप लोग को भी तकलीफ नहीं होना है, हम लोग पब्लिक को भी तकलीफ नहीं होना है। इसीलिए तो आप लोग का घर आया हुआ है ना, आप लोग को रिक्वेस्ट करने आया हुआ है, आप लोग इसलिए तो आप लोग को रिक्वेस्ट करने आया है। हमारा फाइनल डिसीजन है, इसमें और ज्यादा बार्गेनिंग कर सकते, फायदा फाइनल है यार, स्टूडेंट का केसेस वी हैव सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अगर किसी ने बोल रहा कि मेडिकल स्टैग्नेट हो गई या बोल दे झूठ है, और आर्मी का अगर सिविल गाड़ी में आ रहा है तो हम लोग को जताना चाहिए था, किसी का भी आर्मी को गाड़ी हम लोग ने रुका नहीं है, सिविल गाड़ी तो एटलीस्ट दे शुड गिव अस दैट एक्नॉलेज कि यहाँ में तो बॉर्डर 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 जाने वालों को हम रोकने के लिए हम लोग नहीं बैठा है, तो इसलिए आई ऑन बिहाफ ऑफ पीएफ, मैं स्टूडेंट यूनियन के तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं पीएफ के तरफ से बोल रहा हूँ। देखिए जनता को जितना बेवकूफ बनाना बना चुका है, बहुत बना रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम दे रहा है पैसा दे रहा है, तो अगर पैसा इतना डिले करना है रोइंग में जिस दिन से पैसा डिलीवर किया उसी दिन से हम लोग का काउंटिंग होता है, एंड दे शुड गिव द इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट दे शुड पे इट। और यूपी बिहार में देखिए जिसमें 20-25 करोड़ का आबादी होता है, 20-25 करोड़ का आबादी में एक दिन में वोटिंग हो सकता है, तो दिमाग में 300 भी नहीं है पीएफ लिस्ट में, आप चेक कीजिए 300 व्यक्ति के लिए एक डिजिटल जमाना हो गया, बोलता है उनका नाम लिस्ट आउट नहीं कर सकता है, बात क्या है?
ये चीज हम लोग जानना चाहता है। आप तो पढ़े लिखे, आप तो ऑफिसर हो ना। यूपी बिहार में इतना करोड़ों के बीच में 12 घंटे में जब इलेक्शन हो सकता है, वोटिंग हो सकता है, कोविड के बीच हो सकता है, व्हाई कांट हियर, दिस इज द क्वेश्चन। अरे हम लोग बूढ़ों को इतना घिसक के क्यों लेके बैठा रहा है? ये तो बहुत ही बेकार खेल खेल रहा है। एमएलए शुड हैव कम हियर, डीसी शुड हैव कम हियर। हम लोग का इंटीमेसी को क्यों खराब कर रहा है? अरे ऊपर से डायरेक्ट करके क्यों हम लोग को नहीं बता रहा है? वी आर नॉट टेररिस्ट ना, हम लोग तो उसका भाई बंधु है, उसका भाई बच्चा हो सकता है, उन लोग आना चाहिए। तो यहाँ आने में मैडम हम लोग का ही तुतू में हुआ जा रहा है, इसलिए बच्चा लोग अभी दिखी है। अभी माँ लोग भी बच्चा लेकर के आने लग गया, कल को दिखिए लूला लंगड़ा सब यहाँ आएगा। इसलिए ये होना नहीं देने से कितना अच्छा था। इतना छोटा सा मैंने फुल हैंड भी नहीं है तो उन बीच में इतना रोका के रखना, हम लोग भी तो इतना बेवकूफ नहीं है। पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आपने बिल्कुल दी है, लेकिन इसमें यूनियन का कहने का हिसाब से, हम लोग का कहने का हिसाब से रिटर्न में देने में क्या खराब है? हमारे पॉपुलेशन देखिए ना, डिले होने का बातें नहीं है। इतना छोटा पॉपुलेशन है, इसके लिए डीसी क्यों इतना डिले कर रहा है? दिस टू रॉन्ग। ये जो भी करता है सिर्फ जनता के ऊपर फेंकने से नहीं, वो ऊपर वाला भी देखता है। अरे जनता का पैसा खा के कोई बड़ा आदमी होने वाला नहीं है। ये बहुत बहुत गलत खेल हो रहा है, बहुत गलत खेल रहा है। एमएलए क्यों नहीं है? एमएलए को तो हमारा जनता ने दिया, हमने वोट दिया ना, वो आना चाहिए कम से कम। वी रेस्पेक्ट हिम एज अ पेरेंट। आप लोग उम्र में छोटा हो सकता है, लेकिन वो हम तो उसको पेरेंट की तरह मानता है ना। जनता का आवाज पहुंचाना उनका काम है। क्यों छिप रहा है? पेरेंट्स नहीं चाहिए, ऐसा बात नहीं है। ऐसा किसने बोला? उस दिन हम जब आया था आपने सुना है मेरे मुख से? अगर आपने सुना होता आपने मैसेज भेजा होगा। हम लोग ऐसा नहीं बोला है ना। आई डू एग्री दैट योर प्रोटेस्ट इज राइट, बट मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये इंडिफिनिट को ना, इंडिफिनिट चीज को ना आप लोग थोड़ा रेक्टिफाई करके ये फेस वाइज आप रखिए। यू गिव अस 30 तारीख, अगर 30 तारीख तक नहीं होता है यू गो फॉर सेकेंड राउंड, है ना? ये मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। सेक्रेटरी जो बोला है उसके हिसाब से हम लोग जाएगा। एंड अभी तक आप देखिए हमारे दर ने जो भी सिस्टम से जा रहा है विद जीरो मोर्टेलिटी, आपको पता होगा जीरो मोर्टेलिटी, व्हाट इज मीन बाय जीरो मोर्टेलिटी? ना किसी को इंजर हुआ, ना किसी को दिमाग में चोट पहुंचाया। जो समझने वाला समझ गया, चला गया, जो जोर करता है तो वी आर हियर टू फेस देम। हमारा जीरो मोर्टेलिटी दैट इज आवर रिकॉर्ड। ये हम लोग सब समझा रहा कि किसी को नुकसान ना पहुंचाए, वो चल रहा है। ये आप लोग थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, ये पीसफुल धारणा। वो चीज को ना मैं ये चीज को मैं मेडिकल और डिफेंस को तो एलो कर रहा, आज तक किसी को तो रुकाया नहीं। मेडिकल वाला ने मैडम आपको किसने बोला? मैंने लाना तो इमु में फाइल मांगाता हो लागे इमो आशा लाइजनिंग में पाऊ है नहीं है तो 6 दिन में भी हो जाता है। ये तो गर्म माहौल मेडिकल हम आप गलत इश्यू को फिर हम लोग ऊपर थोप रहे, वो नहीं थोप रहे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग को अपना मेडिकल जाने दो। मेडिकल वाला आने दीजिए ना, हम मना कर रहे हैं। आप इसको जल्दी लाने का कोशिश कीजिए।
प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होना चाहिए, बोर्ड का आज ट्रिगर किया ना, बोर्ड का आज गया। 10 दिसंबर का बात क्लियर है, 10 दिसंबर का बात क्लियर है, 17 को भी हम लोग वेट किया, 17 को भी हम लोग वेट, 17 का आप भी वेट कर रहा था ना, तो 17 को क्या स्टैंड स्टिल, वो वही ऑर्डर है, लेकिन नहीं वही ऑर्डर है ना, तो इसीलिए तो एग्रीड है ना गवर्नमेंट, तो एग्रीड है तो ऑन रिटर्न लेके जो भी अमाउंट अभी डिसबर्समेंट करने के लिए रखा उसको डिसबर्स कीजिए ना, आप मैनिपुलेट करने के लिए इसको डिले कर रहा है, रेड टेपिज्म लगा के इसको मैनिपुलेट करने के लिए कर रहा है, नहीं कर रहा है, हम लोग बहुत ज्यादा बात करने का इजाजत भी नहीं, आपसे और कौन डिस्कशन का आउटकम ही नहीं, दूसरा मेडिकल केसेस को जैसे कल भी जानी थी, लेकिन कुछ कुछ होता है थोड़ा देख के लगता है कि एक्टिंग कर रहा है ना, बोलो मेडिकल तो कल ग्रिप का भी आया था, हम लोग खुद ही रोइंग पहुंचाया अपना गाड़ी से, एक्टिंग तो आपके लिए छोटा हम लोग मेडिकल को तो जाने तो दे रहे हैं ना मैडम, हम लोग जाने दे रहा है, हमने रुकाया नहीं डिफेंस को, हमने रुकाया ही नहीं डिफेंस का, वही डिफेंस का साथ घूम रहे हैं, पता चला खोल देगा उसको, खोल देगा लेकिन मेडिकल में स्कूल में बदला हुआ, मेडिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल का हो गया।